हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, हम इस मोटो पे चल रहे हैं कि इस वीक में हमें रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसी सिलसिले में हम इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, सिलॉक्स पढ़ चुके हैं, ब्लड रिलेशन का बेसिक पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक पढ़ चुके हैं, सारे सिम्बल्स और फैमिली ट्री के बारे में, कैसे फैमिली ट्री बनना है और सारे जो नाम होते हैं, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब नाम किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं और बेसिक क्वेश्चंस को देख चुके हैं। इस वीडियो में अब हम ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि मेंस में आता है या कभी कभी पीओ में भी, प्री में भी आ जाता है, पीओ के प्री में आ जाता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो आइए चालू करते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन में बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम सारे टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आता है। उसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि ये मेंस में आता है, ज़्यादातर मेंस में आता है, और मेंस में रीजनिंग का अगर इनइक्वालिटी आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, सिलॉक्स आ रहा है, ये सारे टॉपिक्स अगर आ रहे हैं आपका मेंस में, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये इनइक्वालिटी भी आएगी तो कोडेड आएगी, ब्लड रिलेशन आएगा तो कोडेड आएगा, और सिलॉक्स आएगा तो रिवर्स आएगा, और डिस्टेंस डायरेक्शन आएगा तो ये भी कोडेड आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये चारों टॉपिक आपके मेंस में आ रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेंस का पजल बहुत ही हार्ड होता है। तो इसलिए अगर ये सारे टॉपिक आ रहे हैं तो आपका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप इन टॉपिक को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकें, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना लगे, और लगे तो सारा 100% एक्यूरेसी के साथ लगे, गलती होने का कोई संभावना ना हो, क्योंकि अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर मेंस क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी वजह से अगर मैं कहूँ कि ब्लड रिलेशन आ रहा है कोडेड, और आप कुछ कोई ट्रिक याद कर लीजिए, कोई ट्रिक सीख जाइए, उस ट्रिक से सॉल्व करिए और अपना टाइम सेव करिए, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेव करने के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी डाउन, और ट्रिक फ्रेंड, जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम का प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो कोई भी ट्रिक याद नहीं आने वाली फ्रेंड्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आप लोग भी जो मेंस तक पहुँचते होंगे, प्री क्वालिफाई हो जाता होगा जिनका, जो मेंस में बैठते होंगे, वो मेरे बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि कोई भी ट्रिक मेंस के एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। तो क्या याद आने वाला है, क्या आपको काम आने वाला है, वो है अप्रोच। अप्रोच सीखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ का अप्रोच सीखिए। मैं अपने फर्स्ट वीडियो से अभी तक मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि अप्रोच सीखिए, ट्रिक के चक्कर मत पड़िए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं ब्लड रिलेशन के कोडेड, हम उनका अप्रोच सीखेंगे कि किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हमें टाइम कम लगे, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम दो चीज़ मांगता है, स्पीड और टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है और स्पीड नहीं है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, और अगर आपका एक्यूरेसी सही है, स्पीड नहीं है, तो भी बाहर हो जाएंगे। दोनों केस में आपको बाहर होना है। तो हमें एक राइट अप्रोच सीखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि कम से कम समय लगे। और अगर आप अप्रोच कोई सीख गए और उसको उस पर प्रैक्टिस किए हुए हैं, तब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने अप्रोच से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कभी टाइम कम लगेगा, कभी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक सीखे हैं तो ट्रिक्स क्या होता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही वर्क करता है, सारे क्वेश्चन पे वर्क नहीं करता, और आप एग्ज़ाम में स्टक कर जाएंगे। और अगर इस तरीके के टॉपिक में आप स्टक कर गए तो मेंस क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन होता है और क्या अप्रोच हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कोडेड ब्लड रिलेशन में, जिसमें आपको ऐसे सिंबल दिया होगा कि प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, और स्टार का मतलब ये है। उसके बाद उस पर बेस्ड दो तीन क्वेश्चन दे देगा, जैसे 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन इस पर बेस्ड दिया हुआ है। और क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन में एक आपको इक्वेशन दिया होगा, इसको सॉल्व करके आपको बताना होगा कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये एक तरीके का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, कोडेड इनइक्वालिटी, तो उसमें क्या था, हम पहले डिकोड करते थे, फिर उसके बाद से जो हमारा इक्वेशन दिया होता था उसको बनाते थे और सॉल्व करते थे। सेम वही अप्रोच यहाँ अप्लाई करेंगे,
और आप देखेंगे कि जब हम इसको डिकोड करेंगे तो डिकोड करने में 10 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद से सारे क्वेश्चन 10-10 सेकंड में हो जाएंगे। अगर 40 सेकंड में तीन क्वेश्चन आपका मेंस में हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर 40 सेकंड में मेंस के तीन क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं तो क्यों रिस्क लेना है जब इतना आसानी से आप कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको डिकोड करना होगा। अब डिकोड करने का अप्रोच सीखिए, आपको कैसे डिकोड करना है। तो क्या लिखा है, ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब यहाँ लिखेंगे प्लस का मतलब है डॉटर। अब हम पूरा डॉटर नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। प्लस का मतलब क्या हो गया, डॉटर। ठीक, माइनस का मतलब क्या है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो माइनस का मतलब है हस्बैंड। ओके, स्टार का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो स्टार का मतलब है ब्रदर। हमने ऐसे डिकोड कर लिया, इन तीनों को डिकोड कर लिया। इसको डिकोड करने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। अब फ्रेंड्स हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ लिखा है ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, कभी कभी क्या होता है दो स्टेटमेंट में तो ऐसे लिखा रहेगा, बट थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिख देगा, बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, और ए इज़ ब्रदर ऑफ बी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम मैं कहूँ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, ए ब्रदर है बी का। बट अगर मैं यही कहूँ बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, तो डायग्राम कैसे बनेगा, बी भाई है ए का। अब यहाँ पे ए का जेंडर पता है कि ये मेल है, बी का जेंडर हमें नहीं पता ये मेल है फीमेल है। यहाँ पे बी का जेंडर हमें पता है कि ये मेल है, ए का जेंडर नहीं पता है मेल है कि फीमेल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं करना है कि डॉटर हस्बैंड ब्रदर लिख दिए और यहाँ देख ही नहीं रहे कौन सा एलिमेंट किधर लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लिए, ये डिकोड कर लिए, कहाँ आपको सतर्क करना है ये भी आप देख लिए। डिकोड होने के बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पे आएंगे और जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसको फटाक से बना लेंगे, ये बहुत टाइम नहीं लेने वाला। देखिए पी प्लस क्यू, प्लस मतलब डॉटर, कौन डॉटर होगा, पी डॉटर होगा, तो पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, क्यू बना, क्यू का डॉटर कौन है, पी है, ये हो गया, बन गया। क्यू माइनस आर, माइनस मतलब हस्बैंड, क्यू हस्बैंड है आर का, तो क्यू हस्बैंड है, हस्बैंड तो ये प्लस हो गया, आर का तो आर क्या हो गई, फीमेल हो गई। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, इसको डिकोड करने में 10 सेकेंड। अब क्वेश्चन देखेंगे अपना, ये ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, आर इज मदर ऑफ पी, आर मदर है पी की, तो पी यहाँ है, आर यहाँ है, आर मदर है पी की, ये एकदम सही है, पहला इक्वेशन सही है, पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बस ऐसे सॉल्व करना है, इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है पी स्टार क्यू प्लस आर। तो हमने ऊपर क्या लिख रखा है, ऊपर हमने लिख रखा है प्लस मतलब डी, माइनस मतलब एच, स्टार मतलब बी। आप अपने रफ में एक बार बनाएंगे, मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी स्टार क्यू, स्टार मतलब ब्रदर है, तो पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर प्लस मतलब डॉटर, क्यू डॉटर है आर की, तो क्यू हो गई डॉटर किसकी, आर की। ये डायग्राम हमने बना लिया। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाने आ रहा है तो आप पहला वीडियो पहले देखिए, तब इस वीडियो पर आइए। ये बन गया हमारा। अब पूछ रहा, अब हम अपने ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। पी इज़ ब्रदर ऑफ आर, पी आर का ब्रदर है, नहीं है। पी इज़ अंकल ऑफ आर, पी आर का अंकल है, नहीं है। पी इज़ सन ऑफ आर, आर का सन पी है, हाँ सही है, पी है और सन है आर का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थ्री, हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी प्लस क्यू स्टार आर, प्लस मतलब डॉटर, तो पी डॉटर है क्यू की, डॉटर होगी किसकी, क्यू की। क्यू स्टार आर, स्टार मतलब ब्रदर, क्यू ब्रदर है किसका, आर का। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब ऑप्शन पे देखेंगे, पी इज द नीस ऑफ आर, आर की नी से पी, हाँ आर की नी से पी, पहला ऑप्शन सही हो गया। पहला ऑप्शन सही होती है, हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पी जो है नीस हो गई आर की, ये हो गया पहला ऑप्शन सही। तो ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन कि कैसे आपको एक कोडिंग दिया होगा, उसको डिकोड करना है, उसके बेसिस पे तीन तीन चार क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें अलग अलग क्वेश्चन देके आपको ऑप्शंस दिया पूछ रहा होगा कि कौन सा सही है। तो आपको सारे को डिकोड कर लेना है, इक्वेशन को बना लेना है अपना फैमिली ट्री,
और सॉल्व कर देना है। इसका अप्रोच सिंपल यही होगा, इस तरीके क्वेश्चन में आप यही अप्रोच लगाएंगे, टाइम के ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर 4-5 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का, तो आप इजीली इसमें स्पीड गेन कर लेंगे। तो ये देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि और किस तरीके क्वेश्चन आता है कोडेड ब्लड रिलेशन में। तो ये है दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया रहेगा, आपको ऐसी कोडिंग दी होगी, उसके बाद से पूछेगा हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस, एक इक्वेशन दे देगा, जैसे ये इक्वेशन दे दिया, उसमें इस इक्वेशन में पूछेगा कि के एम से कैसे रिलेटेड है, ऐसा पूछेगा आपसे। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन दे के पूछेगा इस इक्वेशन में के एम से कैसे रिलेटेड है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले अपना हम डिकोड कर लेंगे फटाफट से। अब चाहें तो यहाँ पे आप डिकोड भी नहीं करेंगे, क्यों, इसके पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था तो आपको डिकोड करना पड़ा। आप चाहें तो डिकोड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको बनाए, इस ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है इसको आप डायरेक्ट फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एट द रेट, पहले दिया हुआ है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या दिया है, ए एट द रेट मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच सिस्टर हो जाएगी के की, एच इज सिस्टर ऑफ के बना लिए। उसके बाद डॉलर, डॉलर कहाँ है, यहाँ, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, तो मतलब के फादर है एल का, तो के हो गया फादर किसका, एल का। अब एल स्टार एम हैश, एम हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, तो मतलब एल डॉटर होगा एम का, एल डॉटर हो गई एम की, तो एल हो गई डॉटर, एम की डॉटर है, तो यहाँ के भी है, तो एम कहाँ आ जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। ये हमारा बन गया फैमिली ट्री, तो आप यहाँ पे डिकोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अप्रोच सीखिए, कोई ट्रिक मत सीखिए, अप्रोच सीखिए कि क्या, कौन से क्वेश्चन में कैसा अप्रोच आपको लगाना है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिकोड कर लीजिए, उसके बाद से क्या कह रहा है, के का एम से रिलेशन पूछा है, देख लेंगे के यहाँ है, एम यहाँ है, तो के क्या है, एम का, एम का हस्बैंड है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हस्बैंड, बस लग गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, एग्जाम में भी आप जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन ही आता है कोडेड ब्लड रिलेशन का, इससे ज़्यादा ना हार्ड आता है, इससे ज़्यादा ना इजी आता है, इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो ये रहा दो तरीके क्वेश्चन, अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कैसा आता है। तीसरा टाइप का ब्लड रिलेशन में कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडेड का कैसे होता है, ये आपको ये दे देगा, पूरा स्टेटमेंट दे देगा कि ये प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, सब दे दिया। उसके बाद से अब एक चीज़ दे देगा, जैसे ई इज़ मैटरनल अंकल ऑफ डी, ई इज़ मैटरनल अंकल ऑफ डी, ये इन सब ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन दैट ई इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ डी, ई मैटरनल अंकल है डी का, इन सारे इक्वेशन से किस इक्वेशन में सही है। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड, इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन को दो अप्रोच से आप कर सकते हैं। एक अप्रोच आप ये लगा सकते हैं कि जिसका रिलेशन पूछ रहा है, पहले आप उसका जेंडर पता कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक अप्रोच है जेंडर पता करने का, कि जो जिसका रिलेशन हमसे पूछ रहा है, जैसे ई इज़ मैटरनल अंकल ऑफ डी, ये बोला है ई मैटरनल अंकल है डी का, तो ई अंकल होना चाहिए, ई का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल, तो क्या हम ई का जेंडर बता पा रहे हैं कि नहीं, सबसे पहला टेस्ट हमारा ये होना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, ये स्टेप वन हो गया, तो सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, अगर हम सारे इक्वेशन में ऐसा बता पा रहे हैं कि हाँ ई मेल है, सारे इक्वेशन में ये पता लग रहा है कि ई मेल है, तो अब तो हम आंसर नहीं बता पाएंगे, आंसर नहीं बताए, अगर 4-5 ऑप्शन में से किसी एक में भी मेल आ गया, बाकी सब में फीमेल आ रहा है, तो वो मेल वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो अगर ऐसा है नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, तो आपको तो सब करना ही पड़ेगा। तो एक ये हो गया स्टेप वन की जेंडर पता चल रहा है कि नहीं, अगर जेंडर भी पता चल रहा है कि सारे मेल हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप इन सबको डिकोड कर लेंगे। ये सबको डिकोड करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट आपका एक क्वेश्चन फॉर श्योर 100% श्योर हो जाएगा कि आप ये करके ही आएंगे। आप इन सबको डिकोड करेंगे, मैक्सिमम 20-30 सेकंड में आप इसको डिकोड कर लेंगे, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा चारों को डिकोड करने का, 2 या 3 डिकोड करते करते आपका आंसर आ जाएगा कि हाँ यही आंसर है, तो फटाफट से आप डिकोड कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में स्टेप वन काम करता है कि स्टेप टू पे जाना पड़ेगा। पहले आप स्टेप वन जरूर चेक करेंगे, तभी स्टेप टू पे जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है कि प्लस मतलब ये, प्लस मतलब सिस्टर ऑफ बी, माइनस मतलब ब्रदर ऑफ बी, और स्टार मतलब डॉटर ऑफ बी, ये दिया हुआ है। उसके बाद से पूछ रहा है ई इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो ई को अंकल होना पड़ेगा, ई को मेल होना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चेक करते हैं कि जेंडर हम पता कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ई कहाँ कहाँ है, ई यहाँ है, एफ ई, एफ ई, एफ ई, सब जगह ई लास्ट में है। तो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब दिया हुआ है ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब स्टार का मतलब है एफ डॉटर है ई का। अगर एफ डॉटर है ई का तो ई क्या है, मेल है कि फीमेल, हम नहीं बता सकते, मेल का जेंडर हमें नहीं पता, क्योंकि मेल इस डॉटर एफ डॉटर है, तो ई क्या है, फादर है कि मदर है, हमें नहीं पता है, तो हम ई का जेंडर नहीं बता सकते। तो हम कभी नहीं ये नहीं बता पाएंगे कि ई मैटरनल अंकल है। अगर इस इक्वेशन में बन भी रहा होगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि अंकल है कि आंटी है, ठीक है, जेंडर ही नहीं बता पाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। अब सेकंड में भी स्टार दिया हुआ है तो इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी हो गया गलत। थर्ड इक्वेशन में एफ प्लस ई है, अब प्लस कौन है, प्लस मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब एफ है वो बहन है ई का, तो एफ बहन हो गई ई का, तो ई क्या है हमें अभी भी नहीं पता, ई का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा गलत। तो फोर्थ ऑप्शन में आएंगे माइनस, माइनस मतलब क्या दिया हुआ है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, एफ भाई है ई का, एफ भाई है ई का, यहाँ पे भी हमें ई का जेंडर नहीं पता। तो इन चारों ऑप्शन में हम ऐसे एलिमिनेट कर लिए, किसी में भी हमें ई का जेंडर नहीं पता चला, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रेंड्स स्टेप वन से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप में जेंडर चेक करने जाएंगे, जैसे यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ई का जेंडर ही नहीं पता चला, तो ऑप्शन हो गया हमारा नन ऑफ दीज। किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में मान लीजिए मेल मिला, बाकी सब में फीमेल मिल गया, फीमेल फीमेल फीमेल, तो आपका ऑप्शन हो गया वन सही हो गया। और कभी कभी क्या होगा, दो दो ऑप्शन में मेल मिल गया, फर्स्ट में मेल मिल गया, फिर फीमेल मिल गया, फिर मेल मिल गया, फिर फीमेल मिल गया, फीमेल मिल गया, तो दो में मेल मिला, तो अब इन दोनों को आप डिकोड करेंगे, फटाफट से डिकोड करेंगे, देखेंगे किस में मैटरनल अंकल बन रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड अप्रोच होगा अगर हमारा पहला अप्रोच फेल हो रहा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पहले अप्रोच से हो जाएगा। तो ये रहा एक तरीके के क्वेश्चन, तीन तीन टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या होता है। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वही सब दिया होगा, प्लस माइनस मतलब ये, प्लस मतलब ये, डिवाइड मतलब ये, और फिर आपको एक इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन दिया है और आपसे पूछ रहा है इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम डिकोड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, हमें बार बार सॉल्व करना नहीं है, तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन का फैमिली ट्री बना लेंगे। तो एन स्टार के, स्टार का मतलब क्या है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो स्टार का मतलब क्या है, एन इज ब्रदर ऑफ के, फिर के माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, क्यू। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स यही बात मैं ऊपर आपको बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ लिखा है पी माइनस क्यू, इसका मतलब है क्यू इज सन ऑफ पी, नॉट पी इज सन ऑफ क्यू, इसका मतलब है क्यू इज सन ऑफ पी। जबकि स्टार का मतलब क्या दिया हुआ था, स्टार पी स्टार क्यू में दिया था पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, देख रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़े तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन को सही से पढ़ना था, इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक था, और इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो माइनस का मतलब है क्यू इज सन ऑफ पी, मतलब एम इज सन ऑफ के का सन कौन है, एम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब डिवाइड का मतलब क्या है, क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, क्यू इज सिस्टर ऑफ पी मतलब एल एम की बहन है, एल कौन हो गया, एम की बहन हो गई, ये हमारा फैमिली ट्री बन के रेडी हो गया। अब क्या बोल रहा है, पहला के इज फादर ऑफ एल एंड एम, अब के फादर है कि मदर, इसका जेंडर हमें नहीं पता, तो हम ये ऑप्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। एल इज द डॉटर ऑफ के एंड इज द नीस ऑफ हर अंकल एन, एल जो है के की डॉटर है और एन जो उसका अंकल है उसकी नीस है, ये डेफिनेटली ट्रू है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ हमारा आंसर मिल गया हम उसको लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन वन और टू बोथ ऐसा करके कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो ये एक तरीके क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको क्या सतर्क रहना है, कहाँ सतर्क रहना है, इस तरीके के डिकोडिंग करते समय इस तरीके के पी और क्यू, क्यू और पी में क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप ये है फ्रेंड्स।
इसमें क्या होगा, आपको दिया होगा ऐसे, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का मतलब ये आपको दे दिया है। उसके बाद से आपको इक्वेशन दिया होगा और पूछ रहा होगा कि ए और डी में क्या रिलेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इक्वेशन दिया है ए और ई में क्या रिलेशन है इस ऑप्शन में से, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन हैं ब्लड रिलेशन में, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक ही तरीके का है। बस आपको अप्रोच एक ही याद रखना है कि जब भी ढेर सारे इक्वेशन दिया हो आपको कोडिंग को डिकोड कर लेना है। जैसे डिवाइड का मतलब क्या हो गया, फादर। अब बस यहाँ चेक करना है पी और क्यू, पी और क्यू ही चल रहा है कि नहीं। प्लस का मतलब क्या हो गया, मदर। माइनस का मतलब क्या हो गया, ब्रदर। और स्टार का मतलब क्या हो गया, सिस्टर। फटाक से ऐसे डिकोड कर लेना है। और अगर सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लेना है। और यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल दिया था हमने डिकोड कर लिया, अब इसको हम बना लेंगे। ए प्लस बी, प्लस का मतलब मदर, तो ए इज मदर ऑफ बी। डिवाइड सी, डिवाइड मतलब फादर, तो बी इज फादर ऑफ सी। माइनस डी, माइनस मतलब ब्रदर, सी इज ब्रदर ऑफ डी। ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब पूछ रहा है ए इज डीज, ए डी का क्या है, ए डी के ग्रैंडफादर हैं, ये फादर, ये उसके फादर, तो डी के ग्रैंडफादर हो गए, तो आंसर हो गया हमारा सेकेंड। बस इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट देखते हैं। ए स्टार बी, स्टार मतलब है सिस्टर, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी। डिवाइड सी, डिवाइड मतलब फादर, बी इज फादर ऑफ सी। माइनस डी, माइनस मतलब ब्रदर, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी। प्लस ई, प्लस मतलब मदर, तो डी इज मदर ऑफ ई। ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमारा ऑप्शन क्या है ये देख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन क्या कह रहा है, ए का क्या है, ए इज ईज, ई का क्या है, ए भैया ई का क्या है, ये तो हो गई इसकी मदर, ये हो गई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की सिस्टर, तो ये मैटरनल, ये क्या हो गई, मैटरनल अंकल हो, ग्रैंड आंट हो गई ये, ग्रैंड आंट, क्योंकि ये दादाजी की बहन है, ई की दादाजी की बहन है, तो दादाजी की बहन ग्रैंड में आएंगी और बहन आंटी ग्रैंड आंट हो गई ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रैंड आंट। तो आप समझ गए फ्रेंड्स, बस हमको ऐसे ही डिकोड करना है और सॉल्व करना है। फटाफट से इसको भी बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज आंट ऑफ ई। अब देखिए ये हमें जो ऊपर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि इन सब इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन में ए आंट है ई का, ए आंट है ई का, और हमने ये बना लिया है ऊपर से, डिकोड कर लिया है कि इसका मतलब ये है। तो हमारा स्टेप वन क्या होगा, पहले चेक करेंगे ए को आंट बनाना है ई का, तो ए का जेंडर देखेंगे, स्टेप वन होगा ए का जेंडर देखेंगे। तो ए माइनस बी, अब देखिए ए माइनस बी दिखाया है तो मतलब हम जेंडर निकाल सकते हैं, तो माइनस का मतलब है ब्रदर, तो ए हो गया ब्रदर, तो ये हो गया मेल यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। स्टार बी, ए स्टार बी, स्टार का मतलब है सिस्टर, तो यहाँ हो गई फीमेल, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। ए डिवाइड बाई बी मतलब फादर, ए हो गई फादर, ये हो गया मेल, ये हो गया गलत। ए प्लस बी, प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है मदर, तो यहाँ हो गई फीमेल, ये हो सकती है, ये हो सकता है हमारा आंसर। तो ये दो ऑप्शन हमने ऐसे फटाक से एलिमिनेट कर दिया। अब ये दोनों ऑप्शन को हम फटाफट बनाएंगे और देखेंगे किसमें ए आंट हो रही है ई की। तो ए स्टार बी, स्टार का मतलब सिस्टर, ए इज सिस्टर ऑफ बी। डिवाइड मतलब फादर, बी इज फादर ऑफ सी। और स्टार मतलब सिस्टर, सी इज सिस्टर ऑफ डी। और माइनस मतलब, माइनस मतलब ब्रदर, डी इज ब्रदर ऑफ ई। हमें क्या निकालना है, ए इज आंट ऑफ ई, ए आंट हो रही है ई की, हाँ सही है ए आंट हो रही है ई की, तो बी हो गया हमारा, सेकंड हो गया हमारा आंसर। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही फ्रेंड मैं ऊपर बताना चाह रहा था कि इस तरीके क्वेश्चन आया तो पहले हम अपना स्टेप वन लगाएंगे। अगर स्टेप वन में सारे एलिमिनेट हो गए, कोई एक आंसर आ रहा है तो आंसर हो गया, अगर नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं तो ऐसे दो तीन जो ऑप्शन होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे हुए ऑप्शन को हम बना के देख लेंगे और अपना आंसर लगा देंगे। तो ये रहा कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट होते हैं।
और भी कुछ तरीके क्वेश्चन अगर छूट रहे होंगे तो मैं उन्हें देखूंगा, और आगे कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी हम अपने सीक्वेंस सीक्वेंस को स्टार्ट रखेंगे और आगे चल के डिस्टेंस डायरेक्शन देखेंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन का अप्रोच सीखेंगे कि उसे कैसे बनाना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि रीजनिंग का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो सके और हम पजल पे जंप कर सके और प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है, इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।